रत्न गर्भाधारा भारत, समृद्ध विरासत को स्वयं में समेटे, विरासत को संजोते विकास का संकल्प लिया हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नया भारत जो सशक्त हो, आधुनिक हो, आत्मनिर्भर हो और जो गौरवशाली संस्कृति से प्रेरणा लेकर विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयां हासिल करे। भारतीय रेल की 9 वर्षों में बदली तस्वीर इस तेजी से बदलते भारत की मिसाल बनी है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन, नई लाइंस, लाइंस का विद्युतीकरण और दोहरीकरण, और साथ ही तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब विकास के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। प्रगति की इस अनवरत कड़ी में समृद्ध विरासत वाले राज्य राजस्थान को मिल रहा है एक शानदार उपहार। आज शौर्य धरा राजस्थान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कर रहे हैं शुभारंभ। अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच शुरू हो रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। इससे प्रसिद्ध पुष्कर मेले और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। पूरी तरह से स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और अजमेर के मध्य यात्रा होगी सुविधाजनक और यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी। ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस। 180 डिग्री रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, कवच सुरक्षा सिस्टम, सीसीटीवी, टॉकबैक से सीधे गार्ड और ड्राइवर से संपर्क, व्हील माउंटेड ब्रेक्स जैसे विश्व स्तरीय सुरक्षा उपायों से लैस है ये ट्रेन। टच फ्री सिस्टम, ब्रेल लिपि में जानकारी, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स के साथ ये ट्रेन है समावेशी। अजमेर दिल्ली रेल मार्ग पर अधिक माल लदान और लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिए डबल स्टैक कंटेनर माल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। अब दुगनी ऊंचाई के पेंटोग्राफ की डिजाइन से निर्मित वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी इसी रेल मार्ग पर किया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से ही मालगाड़ियों और वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुगमता के साथ किया जा सकेगा। इस नई तकनीक का वंदे भारत एक्सप्रेस ही नहीं, पूरे भारत में ये पहला प्रयोग है। वंदे भारत ट्रेन से पूरे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विकसित भारत के निर्माण में राजस्थान बने सशक्त भागीदार। भारत सरकार के इस संकल्प की सिद्धि में वंदे भारत एक्सप्रेस देगी महत्वपूर्ण योगदान।